औद्योगिक क्षेत्र और इसके आसपास रहने वाले लाखों लोगों को आखिर तैयार होकर मिल ही गया फरीदाबाद के सेक्टर 25 स्थित गुड़गांव नहर पर बना पुल। कुछ महीने पहले हैवी ट्रैफिक होने और जर्जर होने के कारण ये पुल टूट गया था, जिसमें कई वाहन भी फंस गए थे। लेकिन इस बार इस पुल को पहले से ज्यादा चौड़ा 6 लेन का बनाया गया है और इसके बनने में 6,59,00,000 की लागत आई है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुज्जर और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की माने तो ये पुल अब जितना आम लोगों के लिए वरदान साबित होगा, उससे भी अधिक सेक्टर 25 के अलावा आसपास के तमाम औद्योगिक इलाकों को इसका फायदा मिलेगा। कृष्णपाल गुज्जर ने कहा कि कांग्रेस वालों ने पार्टियों पास कोई काम नहीं रह गया है, वो केवल विकास को रोकने का काम कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि ये नज़ारा फरीदाबाद के सेक्टर 25 औद्योगिक क्षेत्र में गुड़गांव नहर पर बने पुल का है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुज्जर और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा कर रहे हैं। और मैं विधायक था और पुल की बहुत बुरी हालत थी और ये पुल गिर भी गया और मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट लगाया, इसकी घोषणा करी थी। आज ये काम 11 महीने पूरा हो गया है, उसका आज कृष्णपाल गुर्जर जी ने उसका उदाहरण जो बल्लभगढ़ विधानसभा NIT और बड़खल तक पूरे क्षेत्र के तीनों विधानसभा का सबसे बड़ा लाभ है, जो ट्रैफिक जाम सोना पुल पर होता है, सबसे बड़ा लाभ लोगों को। और पिछले 11 महीने में 6 लेन का एक पुल तैयार किया गया है, जिसकी लागत 6,69,00,000 है और जिससे जैसे 24-25 क्षेत्र को जोड़ने के लिए बहुत बड़ा भूमिका ये पुल अदा करने वाला है। हजारों लोग इस पुल से आवागमन और औद्योगिक क्षेत्रों में जो उत्पादन होता है उसको ले जाने लाने में उसको सुविधा होगी। एक और बहुत बड़ी समस्या का समाधान हुआ है, पूरा औद्योगिक क्षेत्र इससे प्रभावित था, आज उसको उस सबसे निजात मिली है और एक अच्छी शुरुआत यहाँ के स्थानीय विधायक और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी के सहयोग से इसका निर्माण हुआ है और ये बहुत बड़ी देन औद्योगिक क्षेत्र के लिए है। माननीय मुख्यमंत्री